नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एसएसआर, डबल ए के लिए इंग्लिश के कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताने वाला हूं। ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इनमें से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूँ दोस्तों। आप सभी को पता है कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई में 20 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, 20 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, नेवी एसएसआर डबल ए में भी 25 मार्क्स के 25 सवाल जो है इंग्लिश से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स भी जो है लेकर आने होते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई है, यहाँ पर आपको कम से कम 10 मार्क्स तो इंग्लिश में पासिंग लेकर आने ही होते हैं। लेकिन एसएसआर और डबल ए में कई बार जो है बदल दिया जाता है, जैसे कि अब की बार जो है केवल और केवल 4 मार्क्स जो है कर दिए थे। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर बदलता रहता है, लेकिन आपका जो है इंग्लिश एक काफ़ी अच्छा स्कोरिंग पार्ट यहाँ पर इन एग्जाम्स में रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा दोस्तों, जहाँ से 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि हर बार यहाँ से सवाल आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो टॉपिक है, उसके बाद मैंने आपको मार्क्स भी दिए होंगे कितने मार्क्स के कितने सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैसेज। आप जैसे ही एग्जाम आपका स्टार्ट होगा इंग्लिश का, तो आपको सबसे पहले ही पैसेज दिख सकता है। पैसेज में आपको लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है, इसमें आपको वर्ड मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किस वर्ड का पैसेज में क्या मीनिंग है, यानी पैसेज से आपके 4 से 5 सवाल डेफिनेटली आएंगे। तो पैसेज की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको कम से कम टाइम में करना होता है, और यहाँ पर यह आपके मार्क्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगला टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन 100% यहाँ से आता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है या फिर आगे क्या आएगा, यानी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर जो है पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है करेक्ट होगी। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसे हम नरेशन कहते हैं, एक क्वेश्चन 100% यहाँ से पूछा जाएगा। इनफैक्ट आपका जो एसएसआर डबल ए है, 1 से 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, वॉइस, जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में और 1 से 2 क्वेश्चन आपके जो है एसएसआर डबल ए में पूछा जा सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन दोनों में 100% यहां से पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नेवी एसएसआर डबल ए में एक क्वेश्चन आर्टिकल से भी पूछा जा सकता है। काफी बार दोस्तों पूछा गया है, लगातार कई बार जो है इससे आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्टिकल से भी एक क्वेश्चन आने के पूरी पूरी उम्मीद है, चांसेस है। उसके बाद दोस्तों, बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन से भी दोस्तों क्वेश्चन आने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं, जैसे कि लुक इनटू हो गया, यानी लुक के बाद क्या लगता है, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में आपसे जो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फिर सिंपल प्रेपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका 100% आएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फिर सिंपल प्रेपोजिशन आपको फिल करनी होगी। उसके बाद दोस्तों, अगला जो है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब फॉर्म, यानी कोई भी आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे कि अट्रैक्ट दे दिया, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या है या फिर इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या है। इस प्रकार दोस्तों आपसे जो है यहाँ पर पूछा जाएगा नाउन फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म। 100% यहाँ से दोस्तों आपका दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। उसके बाद दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका मिस स्पेल्ड वर्ड से 101% आएगा। मिस स्पेल्ड वर्ड यानी आपको गलत स्पेलिंग वाले 3-4 जो है ऑप्शंस दे देंगे, उसमें से एक जो है करेक्ट होगा, जिसमें आपका जो है आपको चूज करना होगा कि कौन सा इनमें से सही स्पेल्ड वर्ड है, कौन सा जो है सही स्पेल्ड वर्ड है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिस स्पेल्ड वर्ड से 100% जो है इन एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो आप सभी को पता है कि एंटोनियम से, सिनोनियम से भी 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंटोनियम से 1 या 2, सिनोनियम से 1 या 2 क्वेश्चन, नेवी एसएसआर डबल ए में इनसे 2-2, और एयरफोर्स में 1-1 क्वेश्चन 100% जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये आप अगर मार्क्स काउंट करें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन दोस्तों आपके फिक्स हो गए, 14 नंबर आपके पक्के हो गए,
पाओगे अगर इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल अच्छे से कर लेते हो। दोस्तों बाकी टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी बराबर ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ से तो क्वेश्चन आपका 100% आने वाला है। अगर आपके टॉपिक अच्छे हैं तो आपको जो है इंग्लिश में 10 से 15 मार्क्स लाने में कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है दोस्तों, काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आपकी बार जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये टॉपिक जो मैंने आपको बताए हैं फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो जितना उसके दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा ताकि फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपकी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रही थी कि दोस्तों कि आप जो है इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए। इसी प्रकार दोस्तों मैं जो है फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का भी एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूँ कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो वीडियोज़ भी आपको जल्द देखने को मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिख रहे घंटी आइकन को दबा लीजिएगा और प्रिपरेशन को बूस्ट कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि SSR AA एयरफोर्स का जो एग्जाम है अगस्त सितंबर में होगा और जून जुलाई में इनके फॉर्म जो है निकल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।